गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजवीर भाटी आपके सामने लेके आया हूँ एक बार फिर से चैप्टर नंबर 3.4 द्विघाती सूत्र विधि क्वेश्चन नंबर 2 का हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का हमने अध्ययन है वो कर लिया है, उसके अंदर क्या था, पूर्ण वर्ग विधि थी और पूर्ण वर्ग विधि को हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघाती सूत्र विधि और उसके अंदर उसे और भी अन्य भी नाम से जानते हैं जिसे श्री धराचार्य सूत्र विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र विधि क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए कि निम्न द्विघाती समीकरणों को श्री धराचार्य विधि द्वारा हल कीजिए यदि अस्तित्व है तो। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तीन कंडीशन बताई थी, ठीक है ना, यदि आपके याद है तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी तीन। फिर से उसका अध्ययन कर लेते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है कि यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इक्वल में 0 आता है तो हमें मूल क्या मिलेंगे, मूल मिलेंगे बराबर 2 बराबर मूल। और हल क्या होगा, यहां पर होगा वास्तविक हल। और यदि हम कंडीशन नंबर 2 है बी स्क्वेयर माइनस 4ac यदि ये मान धनात्मक आता है, यदि ये मान धनात्मक आता है यदि ये मान धनात्मक आता है तो दो भिन्न भिन्न मूल आएंगे। क्या है, दो भिन्न भिन्न मूल। और ये भी क्या होगा, वास्तविक हल होगा। उसके बाद में कंडीशन नंबर हमने 3 पढ़ी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये वाली कंडीशन यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि ऋणात्मक आता है यानी कि माइनस में आता है तो कोई मूल संभव नहीं होगा, कोई मूल संभव नहीं यानी कोई भी हल नहीं आएगा उसका। और मूल क्या आएंगे, काल्पनिक। क्या मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल हमें मिलेंगे। और ये हमने है वो पूर्व में पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तीन हमें अस्तित्व मूलों की तीन प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र विधि में इन्हीं तीनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, दो नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। हमारी संख्या है 2x2 और प्लस 1 और इक्वल में क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, दो नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि 2x2 प्लस 2√2x और प्लस 1 और इक्वल में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a का मान पता होना चाहिए। और a होता क्या है, a होता क्या है, a होता है x2 का गुणांक। क्या होता है, x2 का गुणांक होता है। और b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक। और c क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। ये है a b और c को याद करना, ठीक है ना, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि a का मान कितना है, कितना है, a का मान 2 है और b का मान कितना है, 2√2 और c का मान जो अचर पद कितना है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये होता है ना। तो बी स्क्वेयर, b का मान कितना है, 2√2 के ऊपर क्या लगाते हैं, होल स्क्वेयर लगाते हैं, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू c का मान कितना है, c का मान कितना है, 1 है ना। इस तरीके से हम इसको d हम याद कर सकते हैं, यानी कि 2√2 को, 2√2 को हम क्या करते हैं कि डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कैसे, देखिए 2√2 को हम 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना गया, 4 आ गया। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 2 आता है। और 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। माइनस इनका सोल कितना हुआ, 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 होता है, 8 को 1 से गुणा करते हैं 8 एकम 8, यानी कि इसका सोल कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया,
जीरो आ गया, ठीक है ना। तो हम अब क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र लगाते हैं। क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र कैसे लगाते हैं? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, और हमारा द्विघाती सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटे में क्या लगाते हैं? दो लगाते हैं। तो ध्यान देना, माइनस की जगह पर माइनस लगाते हैं। बी बी की वैल्यू क्या थी? बी क्या था? एक्स का गुणांक था। कितना लिखूं? दो रूट दो के ऊपर क्या लगाते हैं? यहां पर ये माइनस का माइनस आ गया। उसके बाद में देखो प्लस और माइनस, इसका मान कितना आया था? देखो जीरो आया था। और मैंने आपको बताया था यदि बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान यदि जीरो आता है तो दो मूल हमें प्राप्त होंगे और दोनों के दोनों क्या आएंगे? समान आएंगे। तो इसके दो आंसर हमें मिलेंगे और दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है ना। तो बटे में क्या लगाएंगे? दो इंटू दो लगाते हैं, यानी कि ये क्या आ गया? माइनस दो रूट दो, और बटे में क्या लगाऊं? चार लगा दिए, यानी प्लस माइनस जीरो लगा सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। एक बार प्लस रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। तो यदि हम प्लस रखते हैं तो माइनस दो रूट दो, और प्लस में क्या लगाते हैं? जीरो, और अपॉन में क्या लगाते हैं? चार। यदि हम माइनस रखते हैं दो रूट दो माइनस जीरो बटे में चार, जीरो माइनस और प्लस की कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसको काट दो ऐसे, ठीक है। अब देखो दो से ये काट दिया, कितना आ गया? दो आ गया। अब ये होता क्या है? ये होता है रूट दो इंटू रूट दो, तो रूट दो से रूट दो कट गया और बचा क्या इधर? माइनस एक बटे क्या बचा? देखो यहां पर है वो, ये माइनस है क्वेश्चन में, क्या है यहां पर? माइनस है। तो ध्यान रखेंगे यदि यहां पर माइनस का है तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा ना, माइनस आने पर यहां पर ये डबल माइनस लग जाएगा। विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखेंगे कि b का मान किसमें है? माइनस दो रूट दो है। कितना है? दो रूट दो है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि b का मान कितना है? माइनस दो रूट दो है। तो हमें यहां पर क्या लगाते हैं? माइनस दो रूट दो लगाते हैं। तो ये क्या बन जाता है फिर? यहां पर डबल माइनस से क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह रखेंगे और माइनस का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। तो देखियो, तो देखना कि यहां से ये संख्या कट गई, यहां पर दो आ गया, यानी कि दो से चार कट गए, यहां पर दो आ गया। यानी कि अब क्या करोगे? इस रूट, यानी दो क्या होता है? रूट दो इंटू रूट दो होता है। तो हम क्या करें? रूट दो से एक रूट दो काट देते हैं, यानी बचा क्या? एक बटे रूट दो बच गया। ऐसी कंडीशन यहां पर होगी, ध्यान देना कि दो से चार, दो यहां पर, यानी कि चार कट गया, दो आ गया, और ये क्या होता है? रूट दो इंटू रूट दो, यानी कि एक रूट से एक रूट दो कट गया और बचा यहां पर क्या? एक बटे रूट दो। यानी कि हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई है, x की दो वैल्यू प्राप्त हुई है, दोनों के दोनों वैल्यू क्या है? समान है। क्या है? समान है। यदि बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान यदि जीरो आता है, यदि बी स्क्वायर माइनस चार ए सी की वैल्यू अगर जीरो आता है तो हमें क्या मिलेगा? यानी दो मूल मिलेंगे और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। दो नंबर क्वेश्चन इसी विधि से करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर दो है कि नो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस दो और बराबर में जीरो। ध्यान से सुनिए, दो नो एक्स स्क्वायर और नो एक्स स्क्वायर और प्लस सात एक्स और प्लस दो और बराबर में क्या लगाते हैं? माइनस का दो है और यहां पर क्या लगाते हैं? जीरो। यानी कि संख्या है नो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स और माइनस दो और बराबर में क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं ना। तो देखिए उसके बाद में हमें ए का मान कितना है? नौ है, और बी का मान कितना है? सात है, और सी का मान जो एचर पद है क्या है? माइनस का दो है ना। तो देखिए हमें सबसे पहले डी हमें कैसे मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस चार ए सी, यानी कि बी का मान सात का होल स्क्वायर और माइनस चार इंटू नौ इंटू माइनस दो। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? उनचास आ गया। कितना आ गया? उनचास आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? छत्तीस, और छत्तीस दुना कितना हो गया? बहत्तर। कितना आ गया यहाँ पर? बहत्तर हो गया। यानी कि माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो ये किसका बन गया? प्लस का बन गया। किसका बन गया? प्लस का बन गया। यानी कि सात का होल स्क्वायर, सात का होल स्क्वायर उनचास, और छत्तीस, छत्तीस दुना कितना हो गया? बहत्तर।
तो हमें यहाँ पर क्या इनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जोड़ करेंगे तो कितना आ गया, एक 11 और 11 और एक 12 121, यानी कि 20 के माइनस 84 का मान कितना आया, 121 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि यदि 20 के माइनस 84 का मान यदि कोई धनात्मक संख्या आती है, यदि कोई धनात्मक संख्या आती है तो हमें दो मूल मिलेंगे और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे यहां पर, द्विघाती सूत्र हम लिखेंगे x बराबर बी माइनस बी प्लस माइनस और रूट हम क्या लगाएंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बटे में क्या लगाते हैं, 2a लगाते हैं। तो देखो माइनस की जगह पर माइनस और बी की वैल्यू क्या है, प्लस का 7 और प्लस माइनस और इसका मान कितना आया था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान कितना आया था, 121 और बटे में 2 × कितना लगाते हैं, a के मान 9 है। तो यहाँ पर था क्या माइनस का 7 और यहाँ पर प्लस माइनस, रूट 121 का कितना होता है, 11 होता है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं 11 और बटे में क्या लगाते हैं, 18। एक बार चिन्ह लेते हैं प्लस का और एक बार लेते हैं माइनस का, यानी कि x का मान यहाँ पर माइनस 7 प्लस 11 बटे 18 और इधर देखना x बराबर हम क्या लिखते हैं, माइनस 7 और माइनस 11 बटे 18, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना मिला, 7 माइनस 7 प्लस 11 यानी कि कितना आ गया, 4 बटे में क्या लिखते हैं 18। दो की टेबल से ही हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, 2 × 4 और 9 × कितना आ गया 18। तो यहाँ पर कितना आ गया, x का मान 2/9, यहाँ पर देखना x का मान कितना आएगा, माइनस 18 बटे में 18, यानी कि x का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इस तरह से हमें दो मूल मिले हैं, x का पहला तो मूल मिला है 2/9 और दूसरा मूल क्या मिला है, माइनस 1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x के हमें दो मूल मिले हैं और दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग हमें मिले हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में मूल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 1/x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x और बराबर 3, और आगे भी दिया है कि x नॉट इक्वल 0, कि x का मान है वो 0 नहीं आएगा, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले द्विघाती सूत्र बनाएंगे, द्विघाती समीकरण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना कि सबसे पहले हम इधर वाली संख्या का लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है हमारी, हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारी संख्या एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया, x आ गया। x में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो x बार जाता है, और x को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ गया, प्लस का मैंने प्लस लगा दिया। x में x का भाग देते हैं तो 1 बार गया, x में x का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, और 1 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 बराबर में क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं, और अपॉन में क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर इसके साथ में इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। अब यह संख्या बीच में आ गई, यानी कि कैसे आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 और बराबर में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और ये बन गया हमारी, बन गई द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हम क्या करते थे, यहाँ पर a की वैल्यू लगाते हैं, a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होती है वो क्या होती है, a की वैल्यू होती है, और b की वैल्यू कितनी आती है, जो हमारा x का गुणांक होता है कितना, माइनस 3, और c का मान कितना आएगा, जो एचर पद होता है कितना, 1, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, d बराबर हम लिखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि d का मान आ गया, और b का मान देखो यहाँ पर कितना है, माइनस 3 का होल स्क्वेयर है, और माइनस 4 × 1 × यहाँ पर क्या लिखें, 1 लगाते हैं, यहाँ पर माइनस 3 का होल स्क्वेयर क्या हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर माइनस का कितना लगाते हैं, माइनस का कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 9 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब हम क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र क्या है हमारा, द्विघाती सूत्र है x बराबर, यानी कि
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी और बटे में क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैम माइनस लगाते हैं और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस तीन है। कितनी है, माइनस तीन है। तो यहाँ पर माइनस तीन और प्लस माइनस और बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी का मान कितना है, पाँच है। बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी का मान कितना आया है, पाँच आया है। तो हम यहाँ पर पाँच लगाते हैं, दो इंटू क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं, डबल माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस तीन और प्लस माइनस रूट पाँच और बटे में क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यानी कि साइन पुट करते हैं, कैसे, एक बार प्लस लगाते हैं और एक बार माइनस लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस पुट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, माइनस पुट कर दिया। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे थ्री प्लस रूट पाँच और बटे में क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान देना कि तीन और माइनस रूट पाँच और बटे में क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं। अब हमें दो मूल मिल गए और दो मूल हमें कौन कौन से मिले, x की मान दो मिले, एक तो है तीन रूट पाँच और बटे में दो और दूसरा मान हमें मिला है तीन और माइनस रूट और पाँच बटे में दो। इस तरह से हमें दो क्वेश्चन, हमें दो मूल है वो हमें मिले, एक तो मिला है x तीन प्लस रूट पाँच बटे में दो आया है और दूसरा क्या मिला है हमें, तीन माइनस रूट पाँच बटे में दो। हमने पहले, हमें ये पता चल गया कि दो मूल मिलेंगे, कितने मूल मिलेंगे, दो मूल मिलेंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि पहला तो हमें है तीन प्लस रूट पाँच बटे दो और दूसरा हमें क्या मिला, तीन माइनस रूट पाँच बटे दो मिल गया। तो हम इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर तीन को हम पूरा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर चार को। चार को देखिए हम कैसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, चार नंबर क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। संख्या हमें, संख्या ध्यान देना, संख्या की तरफ, रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस पांच रूट दो और इक्वल में क्या है, जीरो है। तो हम क्वेश्चन नंबर पांच हम करते हैं रूट दो एक्स स्क्वायर और प्लस सात एक्स और प्लस पांच रूट दो और बराबर में हम क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमें वैल्यू लिखनी होती है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि रूट दो और बी का मान कितना है, सात है और सी की वैल्यू कितनी है, पांच रूट दो है, पांच रूट दो है। तो अब ध्यान देना कि हम क्या लगाते हैं, d का मान याद करते हैं, d बराबर में क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी। तो हमें देखना कि b का मान कितना है, सात है। तो हम क्या लगाते हैं, सात का होल स्क्वेयर माइनस चार इंटू a की वैल्यू कितनी है, रूट दो इंटू c की वैल्यू कितनी है, पांच रूट दो है। तो ध्यान रखना कि सात का होल स्क्वेयर कितना होता है, उनचास होता है। कितना होता है, 49 होता है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो चार को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। रूट दो को हम रूट दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर दो आता है। तो ये कितना बन गया, 40। कितना बन गया, 40। तो हमें इसका सोल मिला है 40 और 49 में से यदि हम 40 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमें ये बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी का मान किस में मिला है, धनात्मक मिला है, यानी कि कितना मिला है, 9 मिला है। तो हमें ये याद करना है कि हमें मूल है वो किस रूप में आएंगे। ये तो आपको शायद पता चल गया होगा कि यदि ये मान किस में आता है, धनात्मक आता है, तो हमें दो मूल मिलेंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना, पीछे हमने इसको किया था। तो अब हम क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र विधि लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे द्विघाती सूत्र और द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर हम क्या लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी बटे में क्या लगाते हैं, दो ए लगाते हैं। तो हमें माइनस है तो माइनस की जगह पर माइनस पुट करेंगे। यहाँ उसके बाद में बी है तो बी की वैल्यू कितनी है, सात है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सात लगाएंगे। प्लस माइनस,
बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान कितना है, 9 है, कितना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, और 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, कितना है, रूट 2 आ गया। अब देखो इसका सोल कितना हो गया कि माइनस का 7 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 7, प्लस माइनस, और रूट 9 है, 9 रूट को अगर हम हल करते हैं तो कितना आता है, 3 आता ना, तो हम इसको नीचे वाले को इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या कितना आएगा, 2 रूट 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन रखेंगे, क्या साइन रखेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, माइनस का साइन पुट करेंगे, ठीक है ना, तो दो बार हम करेंगे, तो हमें अगर प्लस का साइन पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलती है, माइनस 7 और प्लस 3 और बटे में 2 रूट 2। यदि हम माइनस का साइन पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 7 और माइनस 3 बटे 2 रूट 2 मिलता है। माइनस 7 में से 3 का अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना, माइनस का 4 और बटे में क्या लगाते हैं, 2 रूट 2 लगाते हैं, और यदि हम इसका सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, माइनस का 10 और बटे में क्या लगाते हैं, 2 रूट 2 लगाते हैं। अब ध्यान देना कि इसको काट दो कितना आ गया, 2 आ गया, और इसको काटो ये आ गया 1, इसको फिर से काटो ये क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो रूट 2 को रूट 2 से कट कर दिया, यानी कि ऊपर क्या आंसर आया है, माइनस का कितना, रूट 2, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस रूट रूट 2 मिल गया। और इसमें देखो ये कितना आ गया, 5 के बड़े से, 2 के बड़े से कटो, यहाँ पर 5 आ गया, और इसको काट दो, यानी कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली है, माइनस 5 और बटे में क्या लगाएंगे, रूट 2 लगाएंगे, तो हमें x के दो मूल मिले हैं, क्या मिले हैं x के दो मूल, एक तो मिला है x बराबर माइनस रूट 2, और दूसरा हमें क्या मिला है, x बराबर माइनस 5 बटे रूट 2 मिले हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि यदि बी स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान, यदि कोई धनात्मक संख्या आती है, यदि कोई धनात्मक संख्या आती है तो मूल हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग मिले हैं, ये देखिए आपके सामने है, यानी कि पहला तो क्या है, माइनस रूट 2, और दूसरा क्या है, माइनस 5 रूट 2 आ गया, दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस विधि का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में 6 नंबर, और वैसे 2 क्वेश्चन बच गए, ठीक है ना, तो देखिए करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, छह नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, छह नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बटे एक्स, एक बटे एक्स माइनस, एक बटे एक्स माइनस दो, एक बटे एक्स माइनस दो, और इक्वल में क्या है, 3 है, तो हम सबसे पहले इसका क्या सोल्व करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, द्विघात समीकरण बनाते हैं, देखें हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और दोनों का एलसीएम कितना आ गया, एक्स और एक्स माइनस दो आ गया, एक्स और एक्स माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, इस संख्या में इस संख्या का भाग देते हैं, जो है नहीं, क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं, x माइनस 2 को इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 2 आ गया, ये माइनस ये हमने लगा दिया ना, ठीक है ना, उसके बाद में ध्यान देना कि इस संख्या में इस संख्या में इस संख्या का भाग देते हैं, यानी जो है नहीं, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, इसमें इसमें क्या नहीं है, x नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, x पुट करेंगे, और इक्वल में क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब देखो ये x किसका है, प्लस का है, और ये x किसका है, माइनस का है, आपस में कट हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस का 2 बच गया, और बटे में इसका सोल्व करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 2x आ गया, ठीक है ना, और बराबर में हम क्या लगाते हैं, 3 बटे में 1 लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं 1, क्योंकि इसका वज्र गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा कर दिया, सबसे पहले 3 के साथ में एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस इसके साथ में इसका गुणा करते हैं, माइनस आ गया 6x, और बराबर में इन दोनों का गुणा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। हम इस तरह से हम क्या प्राप्त करेंगे, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई है हमें, इसमें देखिए a का a की वैल्यू मिलेगी कितनी आएगी, 3 आएगी, और b की भी वैल्यू मिलेगी कितनी आएगी, माइनस 6, और c की भी वैल्यू मिलेगी कितनी आएगी, 2 आएगी, तो हम क्या लिखेंगे अब, d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर, और d बराबर क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर में क्या लगाते हैं, 0।
जीरो तो हमें याद करना है। अब देखिए उसके बाद में बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस छह है, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, माइनस छह का होल स्क्वायर लगाते हैं, माइनस चार इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, तीन है, तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, तीन पुट करेंगे। और उसके बाद में क्या है, सी, सी की वैल्यू कितनी है, दो, कितनी है, दो, हम यहां पर क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, माइनस छह का होल स्क्वायर कितना होता है, छत्तीस, और यहां पर क्या लगेंगे, माइनस, और ये चार को तीन से गुणा करते हैं बारह, बारह को दो से गुणा करते हैं बारह, दुना कितना हो गया, चौबीस। छत्तीस में से यदि हम बारह माइनस करते हैं तो कितना आता है, बारह आता है, कितना आता है, बारह आता है। उसके बाद में हम क्या लगेंगे, द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस चार ए सी, और बटे में क्या लगाते हैं, दो ए लगाते हैं। तो हमें देखना कि x बराबर, इसमें मान पुट करना है, माइनस की जगह पर माइनस, और b की वैल्यू क्या है, माइनस छः है, तो हम क्या लगाते हैं, माइनस छः प्लस माइनस, और b स्क्वायर माइनस चार ए सी का मान कितना है, बारह है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, बारह लगाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, दो इंटू ए, यानी कि दो इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है, तीन है, तो हम क्या लगाते हैं, तीन लगाते हैं, माइनस माइनस को डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस का क्या लगेंगे, छः, और प्लस माइनस, अब ये 12 क्या होता है, 12 होता है दो रूट तीन, क्या होता है, 12 दो रूट तीन होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, दो रूट तीन लगा देते हैं, और बटे में क्या लगा देते हैं, छः लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आता है, दो कॉमन आता है, और बचेगा क्या इसमें से, तीन, और यहाँ पर प्लस माइनस दो कट गया, और कितना बच गया, रूट तीन बच गया, और बटे में क्या लगाते हैं, छः लगाते हैं, कितना लगाते हैं, छः लगाते हैं। अब देखो इसको काट के देखो, ये दो से ये कट गया, कितना आ गया, तीन आ गया। अब हम यहाँ पर साइन पुट करते हैं, कैसे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं और इधर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन पुट करते हैं। यदि हम प्लस का साइन पुट करेंगे तो संख्या आती है तीन प्लस माइनस रूट तीन, और बटे में क्या लगाते हैं, तीन लगाते हैं। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन पुट करते हैं तो तीन और माइनस रूट तीन, और बटे में क्या लगाते हैं, तीन लगाते हैं, और हमें इस तरह से दो मूल मिलते हैं। और दो मूल हमें क्या मिलते हैं, पहला तो मिलता है एक्स बराबर, एक्स बराबर तीन प्लस रूट तीन और बटे में दो, और दूसरा क्या मिल रहा है, तीन माइनस तीन और बटे में तीन। इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, दो मूल मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें दोनों के दोनों मूल क्या मिले, अलग अलग मिले हैं, क्या मिले हैं, अलग अलग मिले हैं। यहाँ पर तो तीन प्लस रूट तीन बटे में तीन मिला, और यहाँ पर तीन माइनस रूट तीन बटे में तीन मिला है। और ये हमें मूल पहले ही याद हो जाते हैं, कैसे कि यदि हमसे ये यहाँ से हमें पता चल जाता है, यदि ये मान धनात्मक आता है तो दोनों मूल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। इस तरह से हमने है वो विधि नंबर तीन है वो कंप्लीट कर ली है, कि द्विघाती सूत्र विधि हमने पूरी कर ली है। तो पहली द्विघात द्विघात समीकरण में हमने पहली विधि पढ़ी थी गुणनखंड विधि, और उसके बाद में हमने पढ़ा था पूर्णवर्ग विधि। और ये कौन सी विधि है, विधि नंबर तीन जो लास्ट विधि है, वो हमने उसका अध्ययन है वो ध्यानपूर्वक कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो हमें यानी कि हमें जिस तरह से कौन सी विधि हमें यूज़ करनी है, कोई भी तीनों में से कोई एक विधि पुट करके, यानी कि कोई भी संख्या याद करनी है, वो हम उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इन वीडियो का आप जरूर देखते रहें, और जो भी आपको सवाल कोई भी समझ में नहीं आता, जो भी आपके डाउट है, वो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिखें करें, ठीक है, धन्यवाद।